आरबीआई साल के अंत में जाते जाते आखिरकार एक बार फिर झटका देते हुए आप लोगों की जेब पर कैंची चलाते हुए रेपो दर में इजाफा कर रहा है, जिसके बाद रेपो रेट अब 6.25% हो चुकी है। इसके कारण कई स्मॉल फाइनेंस बैंकों और नए प्राइवेट बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। लेकिन आज हम आपको ऐसे बैंकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी ब्याज दरें पीपीएफ से भी ज्यादा है। मौजूदा समय में पीपीएफ 7.1% मिल रहा है, जबकि कई बैंक सेविंग अकाउंट पर 7.5% तक ब्याज दे रहे हैं, जो आपके लिए लाभदायक है। इस कड़ी में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट्स पर 7.5% तक की ब्याज दर दे रहा है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डीसीबी बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट पर 7% तक ब्याज दे रहे हैं। इन सबके अलावा बंधन बैंक, सीएसबी बैंक और आरबीएल बैंक बचत खातों पर 6.5% तक की ब्याज दर देकर अपने ग्राहकों को बड़ा मुनाफा करा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएसबी बैंक और आरबीएल बैंक में औसत मासिक बैलेंस 2,500 रुपए से 5,000 रुपए तक है, जबकि बंधन बैंक में भी मासिक औसत बैलेंस इतना ही है। इंडसलैंड बैंक में जरूरी मासिक औसत बैलेंस 1,500 रुपए से 10,000 रुपए और साउथ इंडियन बैंक में जरूरी औसत मासिक बैलेंस 1,000 रुपए से 2,500 रुपए है, और ये दोनों ही बचत खातों पर 6% तक की ब्याज आपको देने की पेशकश कर रहे हैं। आपके काम की बात तो ये भी है कि डाकघर की सबसे पॉपुलर निवेश योजनाओं में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 7.1% है। यहाँ आप कम से कम 500 रुपए और 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश कर सकते हैं। सोने पर सुहागा वाली बात तो ये है कि इस योजना से होने वाली कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इतना ही नहीं, 15 साल के बाद इसे 5-5 साल के लिए 3 बार बढ़ाया भी जा सकता है।